हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सब मेरे चैनल पे हैं टॉक विद सोनिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ किसी मोहतरमा के बारे में जिन्होंने बोला था कि फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या रिएक्ट करेंगे। उन्होंने ऐसे कुछ बोला था और उन्होंने पर्सनली जवाब मांगा था कि बहनों, आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। तो मैंने सोचा जब उन्होंने आगे से बोला है तो कहीं ना कहीं वो हम भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना उन्हें बताया जाए कि ऐसी सिचुएशन होती तो हम क्या करते। तो पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, प्लीज़ उसे ज़रूर ध्यान से सुनिए, फिर मैं उसको अपने आगे में वीडियो में बात करती हूँ। तो एक बिला की, अब आप उसको अपने हिसाब से जज कर सकते हैं कि वो कैसी हैं कैसी नहीं हैं। तो मैं इस किस्से को सुनाती हूँ, उसमें कुछ समझने की बात ज़रूर समझिएगा। तो वो महिला थी जो अपनी पड़ोसन से दिन रात ईर्ष्या रखती थी, मतलब उसके लिए गलत सोचती थी। बट जो दूसरी महिला थी उसकी पड़ोसन, वो बेचारी, उसको नहीं लगता था कि मैं इसके बारे में ऐसा सोचूं, इवन ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा या नॉर्मल लाइफ में जैसे भी था, वो कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहती थी। पर होता क्या है कि उस महिला के माइंड में ये चीज़ हो जाती है कि ये औरत मेरा बुरा ही चाहती है, तो इसलिए वो आए दिन उसको ब्लेम करती रहती थी इनडायरेक्टली कैसे भी वे में। तो यहाँ किस्सा स्टार्ट होता है। तो हुआ ये कि भगवान से वो दिन रात गुहार करती थी, तो भगवान भी बहुत परेशान थे कि भाई क्या किया जाए, ये महिला दिन रात कुछ ना कुछ बोलती रहती है मुझसे। तो क्योंकि आप दिन रात पुकारोगे तो भगवान भी बेचारा परेशान हो जाते हैं ना, वो भी। तो वो बोले क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे ये महिला अच्छी नहीं लगती और इसके साथ गलत होना चाहिए, मेरे पड़ोसन के साथ। तो भगवान बोला कि उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, सबको अपने कर्मों की फल की कर्मों के अनुसार ही उसे फल की सजा मिलती है, बट उसके कर्म तो ऐसे कुछ है नहीं। पर वो महिला फिर भी वो कहती थी नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भगवान ने बोला इससे कैसा छुटकारा पाया है, तो महादेव ने, मतलब भगवान जी ने, इष्ट ने ये बोला कि अगर आप उसके लिए जो भी अपने लिए जो एक चीज़ सोचोगे ना, उसके लिए डबल होगा। तो भगवान ने सोचा कि कम से कम इंसान अपना तो अच्छा सोचता है ना, दूसरे का बुरा सोचता है, ये 100% सच है कि दूसरे का भला बाद में सोचेगा, पहले वो अपना अच्छा सोचता है। अगर उसका अपना अच्छा हो रहा है वो तभी दूसरे का भला करेगा। अगर ऐसा इंसान तो मैंने नहीं देखा, मैं सच बता रही हूँ, मैं फैक्ट चीज़ों को बोल रही हूँ, यहाँ कोई हवाओं के महल नहीं बांध रही। मैंने बहुत सारे लोग, इवन इंक्लूडेड मैं कर दूँ, अगर कोई मुझसे कहे कि तुम्हारा अपना बुरा चाह लो, किसी और का अच्छा हो जाए, तो मैं भी नहीं चाहूँगी भाई। मैं कहूँगी नहीं, पहले मेरा अच्छा होना चाहिए भगवान जी, तब उसका अच्छा हो या साथ में दोनों का अच्छा हो जाए। तो भगवान ने सोचा अगर ऐसा बोलूँ तो शायद इसकी थोड़ी जो माइंड की नेगेटिविटी है वो थोड़ा पॉजिटिव चीज़ में चेंज हो जाएगी। बट कहते हैं ना, जहाँ नेगेटिविटी अपना घर कर लेती है, तो उसको कितना भी आप आईना दिखाने की कोशिश कीजिए, अच्छा ही दिखाने की कोशिश कीजिए, उस इंसान को नहीं दिखती है। तो फिर भी उसने क्या किया उस महिला ने, कि भगवान ने तो उसके अच्छे के लिए सोचा कि अगर ये अपने लिए अच्छा सोचेगी तो उसके लिए भी अच्छा हो जाएगा और उसके लिए बुरा भी नहीं सोचेगी। पर उस महिला की मन की हालत, मन की जो दिमागी हालत है ना, उसको देखे, उसने बोला कि भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। तो भगवान ने बोला अगर तुम्हारी एक आंख फूटे तो उसके दोनों फूट जाएं, कि मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरी एक, उसकी तो दोनों फूटेंगी ना, मेरी तो एक फूटेगी तो कम से कम मेरे पास एक तो है देखने के लिए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ अलका दीदी के करेक्टर को, ये लोग दिखाते हैं कि पता नहीं अलका दीदी ने कितना गुनाह कर दिया है, ये अलका दीदी के करेक्टर को लो दिखाने के लिए, करेक्टर लेस दिखाने के लिए ये अपने पतियों का भी एग्जीबिशन लगा देती हैं एक लाइन से। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों से, पहले जो लोग बोलते हैं वो कहती है मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट है, वो कहती है अलका को मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट है, वो तीसरी आके बोलेगी मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट है। भैया मैं पहले आपसे बोलना चाहती हूँ, पहले आप खुद डिसाइड कर लीजिए जितने भी लोग हैं कि अलका दीदी को किसके हस्बैंड में इंटरेस्ट है, तुम्हारे में या उसके में, पहले डिसाइड कर लीजिए भैया। अगर मान लीजिए कि अगर उन्हें किसी के हस्बैंड में इंटरेस्ट भी है तो एक में ही तो होगा कि सब में होगा, ये भी तो मान लीजिए। पहले आप खुद डिसाइड कर लीजिए किसकी में है। फिर ये महिलाएं कहती हैं खुद, मतलब यहाँ से आपको एक चीज पता चली कि चाहे इनके पति की इज्जत चली जाए बट अलका दीदी की बेइज्जती जरूर होना चाहिए। तो यहाँ से आपके सो कॉल्ड मेंटेलिटी का यहाँ से जागरूक होना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है, कि आप अलका दीदी को नीचे गिराने के लिए अपने हस्बैंड को एक लाइन से प्रदर्शनी रख देती हैं। वो कहती है मेरे हस्बैंड को लाइन मारती है, वो कहती है मेरे हस्बैंड के बारे में इंटरेस्टेड है, वो आके कहती है मेरे हस्बैंड के बारे में इंटरेस्टेड है। फिर इन्होंने हमसे पूछा कि बहनों आप अलका के साथ काम करती हो, इस महिला के साथ काम करती हो, तो आप ये सोचिए कि आपका नंबर कोई सोशल साइट पर रख देगा तो आपको कितना बुरा लगेगा।
बिल्कुल बुरा लगेगा अगर हम किसी से अपना पर्सनल नंबर शेयर करते हैं, अगर वो हमारा पर्सनल नंबर सोशल मीडिया पर शेयर करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है और वो इलीगल भी होता है। पर ये सोचिए, किसी इंसान को पागल कुत्ते ने काटा है क्या? जो आपका नंबर, जो इंसान खुद इतनी लीगल चीज़ों की बात करता है, जो खुद इतनी लॉ की बात करता है, तो वो इंसान आपके नंबर को सोशल साइट पर कैसे रख सकता है? या तो आपने उस इंसान को इतना मजबूर किया होगा कि आपने कभी सोचा कि आप किस तरीके से ट्रोल करती हैं उन्हें, कभी आपने सोचा कि आप किस तरीके से उन्हें हर टाइम नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं? आप जितनी भी वीडियोस बनाती हैं, आप उसमें इनडायरेक्टली अलका दीदी को ट्रोल करती हुई पाई जाती हैं। और इतना ही नहीं, इवन आप हम सबको भी इंक्लूडेड कर देती हैं। मैंने आपकी पहले वीडियो नहीं देखी थी, बट अभी रिसेंटली 2-3 दिन से मैंने आपकी वीडियो को देखना नोटिस किया है, जिसमें आप हम सबको इंक्लूडेड कर देती हो कि वो लोग ऐसे बोल रहे थे, मैंने आपकी देखी नहीं थी, और जो 1-2 देखी थी उसको मैंने अवॉइड कर दिया था। बट आपने जब आज पर्सनली बोला ना कि आप बताइएगा, तो पहले मैं आपकी एक चीज की क्लियरिटी कर देती हूँ। मुझसे, मैं अपनी गारंटी देती हूँ, मुझसे आज तक अलका दीदी ने मेरा नंबर नहीं मांगा था। मैंने पर्सनली पहले से जाकर उनको सॉरी बोला था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं उनके लिए गलत सोचती थी, बट जब मैंने कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, कुछ चीज़ों को सोचा समझा, मुझे वो गलत नहीं लगी। बट मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, किसी की लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, जो इंसान उन चीज़ों को नहीं चाहता, फिर भी वो काम हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो काम हो जाते हैं, अगर वो जिसकी वो परमिशन नहीं देता है। तो उस चीज़ को एक बेस पर रख के आप उनकी पूरी लाइफ को टारगेट नहीं कर सकती हैं। आप जब भी भौजी को बोल रही होती है भौजी, या तो आप, मैं ना एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, हाँ पहले मैं अपना क्लियर करती हूँ, ना तो दीदी ने मुझे कभी बोला सोनिया आप अपना नंबर शेयर कीजिए, ना कभी उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया। मैंने पर्सनली उन्हें आगे से जाके मैसेज किया था कि दीदी मुझे आपके लिए गलत फहमी थी और मैं आपसे उस चीज़ के लिए सॉरी बोलती हूँ, मुझे किसी ग्रुप में आने का शौक नहीं है, बट मुझे बुरा लगा इसलिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अगर जो हो गया सो गया, जैसा जब बच्चे का सोच होता है वो वैसे काम करता है, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती। तो वो कहती ना, उन्होंने आगे से वो चीज़ बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उन्हें धीरे धीरे उनके बारे में सुनना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया, तो वो मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में अप डाउन होते हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस कर देंगे, वो अपना सोशल मीडिया पे उस चीज़ को लेकर भी नहीं आती, बट आप दिन रात जो घंटा बजाते रहते हो ना उस चीज़ का, ये है, तो वो उस चीज़ को भी आपको क्लियर कर दिया था, बट उस चीज़ को उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया, ठीक है। और इन्होंने बोला हमें तो आज तक अलका दीदी ने पूछा कि तुम्हारा हस्बैंड अच्छा है बुरा है इवन कैसा है, कभी नहीं। अगर अलका दीदी ने कभी बोला कि तुम्हारा हस्बैंड, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को वहाँ खींच कर लेके आती हो कि इसको मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट है। भाई तुम्हारी लड़ाई तुम तक है, बहन अपने हस्बैंड को क्यों खींच के लाती हो उस मैटर में? अगर आप खींच के लाओगी तो दूसरा इंसान उसे टारगेट करेगा, फिर टारगेट करता है, फिर आप कहती हो ओ इसको तो मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट है। ओ भाई, तुम उसको गलत बोलने से पहले ये सोचिए आप अपने हस्बैंड की यहाँ पे कितनी डिसरेस्पेक्ट कर रही हो कि किसी और, मान लीजिए मैंने मान लिया अलका दीदी बुरी थी, तो फिर आपके हस्बैंड को क्या था जो उनके उनको उनका भी तो कुछ होगा, तभी वो उनको देख रहे होंगे ना। तो आपको पता है आप उनकी बेइज्जती नहीं कर रही हैं, आप अपने हस्बैंड की बेइज्जती कर रही हो, क्योंकि आप सब बोलते हो ना उसको मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट है, उसको मेरे हस्बैंड में इंटरेस्ट है। भैया आपका, आपके हस्बैंड के कोई प्रदर्शनी में रखे हुए पेड़ पौधे हैं जो सबको देखना, अच्छा इसको भी देखना है, अच्छा इसको भी देखना है, इसको भी, क्या है यार आपकी लड़ाई आप तक, मुझ तक, सब तक सीमित है। हस्बैंड लोगों को क्यों घसीटती हो? मुझसे आज तक अलका दीदी ने ना ये नहीं बोला कि तुम्हारा पति कैसा है, ना सोनिया से बोला, ना संध्या से बोला, वो मे भी किसी से नहीं बोला, ना ही किसी उन्होंने किसी से नंबर मांगा। बट आप लोग पता नहीं कौन से गुरुवान करते हैं। अब आते हैं हम भौजी के ऊपर। देखिए मैं पहली बात खुलकर बोल देती हूँ, मुझे भौजी को सपोर्ट करने में 0/0 भी इंटरेस्ट नहीं है। बट जब आप बोलती हैं ना, आप, मैंने अलका दीदी कितनी वीडियोस देखी हैं, अगर जो आपको बोलेंगी तो वो बोलती हैं कि हाँ मैं इसको बोल रही हूँ, क्लियर पता चलता है। बट आपकी हर एक वीडियोस भौजी को सलाह देनी है तो अलका दीदी को टारगेट करेंगे, उन्हें बुरा बोलना है तो अलका दीदी को टारगेट करेंगे, किसी और को बोला तो अलका दीदी को टारगेट करेंगे, सबसे बोलेंगे कि आपको अलका ने वीडियो बनाने के लिए बोला। भैया हमें कभी अलका दीदी ने वीडियो बनाने के नहीं लिए बोला, आपको कभी बोला हुआ तो मैं बोल नहीं सकती, बट मुझे, ओलियान को या संध्या को, हम लोगों को तो कभी दीदी ने नहीं बोला कि आप लोग हमारे लिए वीडियोज बनाओ, नहीं बोला यार। आप कैसे इस चीज़ को बार बार क्लेम कर सकती हो कि नहीं नहीं बोलते हैं बोलते, मुझे समझ में नहीं आता आपके साथ ऐसा क्या उनका पर्सनल था कि आपको बोलती थी कि वीडियो बनाओ, आप वीडियो बनाओ, ठीक है। अब आते हैं भौजी के ऊपर। इन्होंने बोला आपकी हर एक वीडियोस देख ली जिसमें आप बोलती हैं भौजी आप पहले ऐसी नहीं थी,
अब हो गई हैं, यानी कुछ लोग आपके ही कुछ लोग बोलते हैं कि पहले बहुत ही अश्लील वीडियो बनाती थी, तब तो अलका दीदी का कॉन्टेक्ट नहीं था उनके साथ, फिर अब बोलते हो भौजी आप पहले ऐसी नहीं थी अब ऐसी हो गई हैं, यानी जो अश्लील के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी वो अलका दीदी के सपोर्ट में ही आके तो उठाई थी, तो वो तो अच्छा काम किया था, तब भी आपने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, पहले वो गलत वीडियो बनाती थी तब तो आप उनको कभी नहीं बोलने गए। फिर अगर आप लोग सपोर्ट करें तो हम किसी महिला की इज्जत के लिए खड़े हैं, अगर अलका दीदी सपोर्ट कर दें तो व्यूज के लिए खड़ी हैं, अगर हम सपोर्ट कर दें तो व्यूज के लिए खड़े हैं, मतलब सो कॉल्ड मेंटेलिटी आपकी ये है कि आप करेंगे तो वो वाला आपने वो गाना सुना है कि के नाम पे करते सभी सब रासलीला है और मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला है, तो यानी मतलब दुनिया करे तो वो रासलीला है, अगर अलका दीदी कर दे तो वो करेक्टर ढीला हो जाता है, यानी उनके मतलब ये हो जाता है वो व्यूज के लिए कर रही है। आप ही थी ना जब दीदी उनके खिलाफ थी तो आप ही सारे लोग गए थे उनको सपोर्ट करने, जब भौजी ने आपको सपोर्ट में बुलाया था तो बोल देती हैं आप कि भौजी हम आपके सपोर्ट में नहीं है क्योंकि आप अश्लील वीडियोज बनाती हैं, तब बोला था आपने नहीं, तब तो आप मोर्चा लेके खड़ी हो गई थी, नहीं नहीं भौजी हम आपके सपोर्ट में हैं और हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, जब भौजी अलका दीदी के सपोर्ट में आ गई तो आप उन्हीं को ही बताने लगी अरे आप तो गलत वे में चली गई, आपको कोई गलत इंटरेक्ट करता है, अच्छा गोरखपुरिया भौजी को कोई इस्तेमाल कर लेगा यूज कर लेगा, जो महिला खुद अपने बूते पर 1-2 मिलियन का 3 मिलियन का चैनल खड़ा कर लियो उसको कोई बेवकूफ बना सकता है। सोशल मीडिया पर जब हम लोग न्यू आते तब हम लोगों को चीजों के बारे में पता नहीं होता, बट जब इंसान इतने टाइम से काम कर रहा हो ना तो उसको बेवकूफ कोई नहीं बना सकता, खासतौर पर भौजी जैसी महिला को, ठीक है। तो ये जो आप ज्ञान देती हैं इनडायरेक्टली वे में बोलती हैं, वैसे मैं नहीं बनाती वीडियो पर आपने रिप्लाई मांगा था ना, आपने बहुत सारी वीडियो में इनडायरेक्टली मुझको भी टारगेट किया था बट मैंने आपको टारगेट कभी नहीं किया, बट आज आपने मांगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना जवाब दे दूँ और ठीक तरीके से दे दूँ, और